बचपन के निकले तलाश में दाने दाने की, इंसान भी लो घर से निकला, इंसान भी लो घर से निकला, धुन रोटी दाल कमाने की, धुन रोटी दाल कमाने की, लो भोर हुई। कैसी आग लगी, क्या कोई भी तबीर नहीं, क्या कोई भी तभी इस आग में आग लगाने की, इस आग में आग लगाने की, लो भोर हुई पंछी निकले, लो भोर हुई पंछी निकले, काला चुमदाने दाने की, काला चुमदाने दाने की, लो भोर हुई। कल का ठिकाना कोई नहीं, कल का ठिकाना कोई नहीं, ए हम दम आवाज लगा, ए हम दम आवाज लगा, ये बेला जगन जगाने की, ये बेला जगन जगाने की, लो भोर हुई पंछी निकले, लो भोर हुई पंछी निकले, काला चुमदाने दाने की, काला चुमदाने दाने की, लो भोर हुई। दुनिया के संग हम सब क्यों चक्कर खाते हैं, हम सब क्यों चक्कर खाते हैं, ठोकर खाना और ठुकराना, ठोकर खाना और ठुकराना, क्या रीत यही है जमाने की, क्या रीत यही है जमाने की, ओ भोर हुई। ओ राधे जमुना के तीर, राधे जमुना के तीर, राधे जमुना के तीर। भाई दूसरा महीना खलास होने को आया, अभी तक पैसा नहीं दिया, हमारा मालिक बहुत गुस्सा होता है। तुम तो भैया ऐसी बातें करते हो जैसे साल भर गुजर गया, बाल बच्चों का घर है, देर सवेर हो ही जाती है, कभी किसी को साड़ी चाहिए, किसी को जूता चाहिए, कभी दवा दारू में थोड़ा बहुत उठ जाता है। अच्छा अच्छा, वो दूध वाला भैया आज भी पैसे के लिए तकाजा कर रहा था। हाँ हाँ सब सुन चुका हूँ, अगर वो अब जब मांगने आए तो पूरी कहानी मत दोहराने लगना।
कह देना कि अगले महीने पैसे मिलेंगे तो सब चुका देंगे। वो तो सब ठीक है बाबा, मगर हमारे 5 रुपए का क्या होगा, 3 दिन से मांग रहे हैं हम। हाँ हाँ, आपके 5 रुपए भी मिल जाएंगे। कारखाने से 80 रुपया तनख्वाह पाते हैं और बाबा से भी 5 रुपया मांगते हैं। अरे तो 80 रुपया हम अपने पास थोड़ी रखते हैं, सबका सब घर में ही तो दे देते हैं। आप भी ठीक कहते हैं भैया, साल 6 महीने में 1,500 रुपए मांग लिए तो क्या बुरा है पिताजी, आपको 5 रुपए देने ही पड़ेंगे। अच्छा अच्छा चौधरान, दे दूंगा दे दूंगा, सुबह सुबह मैं दमाग मत चाटो। अरे दो ना। एक बात कहो, उस रुपए के बारे में कहना चाहती हो जो मैंने अपने दोस्त के पास जोड़ रखा है? वो नहीं निकलेगा, वो उसी दिन काम आएगा जिस दिन दूसरे सब सारे टूट जाएंगे। दादा एक दो पैसे दे काम के लिए। क्यों आपके पास नहीं अरे है? अरे आस्था बोल, 10 रुपए का नोट है तो मेरे पास दीजिए, मैं तुरा के लाती हूँ। किशन भैया के भी तो 5 रुपए देने हैं। अरे 5 रुपए के लिए 10 रुपए का नोट तो आ जाएगी, तू तो जानती मैं कभी छोट नहीं बोलता। किशन जी के 5 रुपए भी दे दूंगा और दे दूंगा नहीं चली जाएगा, तेरे 6 आने हो गए। कल मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, कल आती ही नहीं सुसु। अच्छी बात है अच्छी बात है, पहले नाश्ता वास्ता कर लेना फिर गुस्सा कर। मैं नाश्ता वास्ता नहीं करूंगा, मैं गुस्सा करूंगा। देखो मैं वादा करती हूँ शाम को जब लौटेंगे तो मैं जरूर दिलवा। तुम चुप रहो माँ। कल मिलेंगे ना, पैसा जब जोड़ रखा है अपने दोस्त के पास तो किस दिन काम आएंगे, 5 रुपए भी नहीं मिलते हमको। गुस्से की बात तो है ही भैया, नाश्ता तो बिल्कुल ना करना, भूखे पेट ही चले जाना। अरे भाइयों मैं सेठ जी के पास जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते, आप जी, आपके पुराने दोस्त श्यामलाल जी ने आपके लिए चिट्ठी दी है। अच्छा अच्छा श्यामलाल जी, सालों से उसे मिलना नहीं हुआ, कैसे हैं वो और आप उनके? जी वो मेरे बाबा के दोस्त हैं और मेरा नाम अशोक है, आप चिट्ठी पढ़ लीजिए। अच्छा मास्टर, आज ड्राइवर लोग काम नहीं करेंगे। माफ कीजिएगा, बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं जरा देख रहा हूँ, आप यहीं ठहरिए मैं अभी आया। कहो यारो क्या बात। हम सब लोग का मांग पूरा होएगा तो काम होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। हम इंसान है जानवर नहीं है मास्टर। ठीक बात है, सेठ जी आ जाए तो मैं उनसे खुद बात करता हूँ, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। ओह हाँ माफ कीजिएगा, अभी तक आपकी चिट्ठी नहीं पड़ी। अच्छा आप ऐसा कीजिए जिस दिन शाम के वो घर पे आ जाइए, आराम से बैठ के बात होगी, यहाँ तो आप देख रहे हैं सर खुजाने की फुर्सत तक नहीं। अच्छी बात है, दरअसल मैं आपके पास नौकरी के सिलसिले में आया था, श्यामलाल जी ने कहा था कि अगर आप कुछ मेरी मदद कर सकें और कहीं नौकरी दिलवा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा अच्छा आप ऐसा कीजिए घर पे आइएगा, बैठ के वहीं आराम से बात होगी, जो हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा। अच्छा अच्छा नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर जी, लारियां अभी तक काम पर नहीं गई। सर जी एक अर्ज करना है। फिर क्या बात है? इन लोगों की 2-4 तकलीफें हैं, अगर दूर हो जाए तो क्या बुरा है, दिन भर बेचारे काम करते हैं मरते हैं। मैंने कह रखा है कि 2-4 दिन में सोच कर जवाब दूंगा। उन लोगों से कह दो कि अपने अपने काम पर लग जाएं, अगर काम रोक कर मेरा नुकसान किया तो एक मांग भी पूरी नहीं करूंगा। जाओ। अच्छी बात है अच्छी बात। देखो यारो 4 दिन के लिए खामोश हो जाओ,
चार दिन के बाद बात होगी और उम्मीद है कि फायदे की बात होगी, और न हुई तो फिर देख लेंगे, हम तुम्हारे साथ में हैं। अब अपने अपने काम पर जाओ। तो तुम गोदाम से जाकर माल उठाओ। क्यों मास्टर, क्या हुक्म है? दिलबर खान ने कहा खुशे मास्टर ने तुमको याद किया है तो गुलाम हाजिर है, बोलो। बाकी जी पहले ये बताओ जेब में नामा कितना है? यही 10-12 का माल मसाला होगा। 5 रुपए बढ़ा दो। किशन जी से कई दिन से वादा कर रहा हूँ मगर दे नहीं सका, आज जरूर फ्रूट किया होगा। एक बात कहूं मास्टर? जरूर कहो बाकी जी। हम लूगे पट्टे भी तो गरीब आदमी हैं। ठीक बात है, मगर हम अपनी गरीबी छुपाते नहीं, साफ कह दे रहे हैं कि लो भाई लो, हम तो गरीब आदमी हैं, जिसे जो बिगाड़ना है सो बिगाड़ ले। ये भी ठीक है बाकी जी। जब सभी ठीक है मेरे यार, तो झूठ बोलने में क्या मजा आवे तुझे? अपनी गरीबी क्यों छुपावे? मुझको गरीबी से नफरत है बाकी जी। सो तो हमें भी है मास्टर, पर एक बात कहूं, दूसरों से जो जी चाहे सो कह ले, मगर बाल बच्चों से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, बहुत बुरी बात है मास्टर, बहुत बुरी बात। मेरी मानता है तो उनसे साफ साफ कह दे कि तूने कोई पैसा वैसा नहीं जोड़ रखा है, सब झूठ है। झूठा ही सही, अगर सहारा बहुत बड़ी चीज है बाकी जी, मेरे बच्चों की जिंदगी में एक उम्मीद तो है, एक आस तो है। अगर उन्हें मालूम हो गया कि मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं, हम बिल्कुल गरीब हैं, तो उनका दिल टूट जाएगा। पर एक न एक दिन तो मालूम हो ही जाएगा मास्टर, फिर क्या होगा? ऊपर वाला बड़ा दयालु बाकी जी, कहीं ना कहीं से तो पैसा आ ही जाएगा। ओ जी ओ जी, कैसे हो? हाँ, हमारे सर में दर्द है बाबा। और हमारे दिल में दर्द है सरकार। हमसे बातचीत नहीं होगी। अरे मिनटों में सिर का दर्द ठीक कर देते हैं, हमारे हाथ में ऐसी जादू की पुड़िया है जो आलो फानो सब ठीक कर दे। इस उम्र में खेल सूझा है बाबा? हम भैया की वकालत करेंगे, हम इनका मुकदमा लड़ेंगे। आप पर इनका 5 रुपए चढ़ा हुआ है और मियाद पूरी हो चुकी है, इसलिए आपको सूद के साथ इस डिग्री का पैसा चुकाना पड़ेगा। और अगर हम न चुकाएं तो? तो फिर आपने जहाँ भी पैसा जोड़ रखा है उस पे टांच आ जाएगी और सब पुरख हो जाएगा। अरे ऐसे मौके पर जिस तरह बड़े बड़े ना माल अफवाह छुपा के रख देते हैं ना, हम भी छुपा के रख देंगे। तो फिर कानून आपके साथ सख्ती करेगा। अच्छा तो यही होगा कि हम अपना कर्जा चुका दें। क्या जी, कितने की डिग्री हम पर? 5 रुपए और 8 आने सूद। ओह, सूद मैं नहीं दूंगा, मैं असल रकम चुका देता हूँ। ये लीजिए वकील साहब, आपके मुवक्किल के 5 रुपए। लीजिए साहब आपके 5 रुपए और मेरी फीस जल्दी कर दो। क्या भरोसा तुम हमारा पैसा खा जाओ? हमें नहीं चाहिए। भैया आप दौलत को ठोकर मारते हो। ये नहीं चाहिए। अरे वापस ले लो बेटी, किस दूसरे काम आ जाएगा? वापस ले लो, जैसे मैं उल्लू छोड़ दूंगा। वकालत मैंने की, दफा 420 लगाई,
और मेरी फीस? भैया आईना लाऊं, कंघी लाऊं, पाउडर, लाली, डाकगाड़ी गुजर गई है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे किशन जी को कुछ हवा लग चली है, जब 5 रुपए जेब में आए और चले बंठन के। खूब खराब कर दिया है उसे तुमने अपने लाड़ प्यार। अच्छा भला किया वो तुमने, बुरा किया तो मैंने। हाँ ये तो है ही, पर तुमकी माँ अपने किशन को कुछ गुंडा बदमाश न समझना। वो जहाँ जाता है मैं जानता हूँ। जरा मैं भी तो सुनो कहाँ जाता है। एक लड़की है। लड़की? अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। लड़की ऐसी कि गैस का हंडा लेकर भी ढूंढोगी तो ऐसी लड़की न मिलेगी, हजारों लाखों में एक। गुण अच्छे, ढंग अच्छे, सभी कुछ अच्छे। पर ये लोग मिलते कहाँ होंगे? अरे यही कहीं बाग मिलते होंगे या रास्ते में। हैरान रास्ते में। ओहो तो माँ जी आपको इन सब झगड़ों की क्या फिक्र पड़ी है? और पिताजी आपको कितने दिन से कह रही हूँ कि एक मिस्त्री को भेज देना, नहीं तो वो छत गिर पड़ेगी। अरे बेटी मैं भूल जाता हूँ, आज बाकी जी से कहकर जरूर मिस्त्री भिजवा दूंगा। मैं जरूर भिजवा दूंगा। हाँ, जरूर भिजवा देना, नहीं तो आज भी भूल जाएंगे। नागा जी ने भेजा है। सूरत से तो मिस्त्री नहीं दिखाई दे रहे। शायद आप शौक से मिस्त्री बन गए हैं। क्या आपके बाप दादा भी मिस्त्री थे? जी नहीं, वो मिस्त्री नहीं थे। मैं मिस्त्री हूँ। मैं किसकी मरम्मत करना है? किसकी मरम्मत? ये आप कैसी बातें करते हैं? जो किस चीज की मरम्मत करना है? माफ कीजिएगा, बात यह कि मैं कुछ पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। कहिए किस चीज की मरम्मत करनी है? अच्छा अच्छा आ, आ, अंदर वो देखो, ये छत खराब हो गई है ना, ये पटरियां निकल गई है ना। हाँ यहाँ से ये ठीक कर दे रहा, समझे? ये इधर की उधर की, हाँ समझे ना। अरे आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? छत की मरम्मत करनी है, मेरे मुंह की नहीं। जी हाँ सब ठीक हो जाएगा, मैं बराबर कर दूंगा मरम्मत। अच्छा अच्छा तो काम शुरू कर दो। थैला हथौड़े किले का कहाँ है? आज तो सिर्फ काम देख रहे हैं। आपके बाबा से मजदूरी तय करके कल फिर आ जाऊंगा। तो आपकी मजदूरी नहीं थी? जी नहीं, उन्होंने कहा था कि घर पे एक छोकरी है। छोकरी कहा था? जी हाँ। आप झूठ कह रहे हैं। जी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। छोकरी कहा था? जी हाँ। छोकरी कहा था? जी हाँ। जाऊँ? नहीं नहीं। शायद कुछ और कहा था उन्होंने। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि घर पे मेरी बेटी है। हाँ, ऐसा कहो, बेटी कहाँ होगा? जी हाँ। तो काम शुरू कर दो। पर वो आज मैं वो थोड़ी वगैरह कुछ लाया नहीं। मैं ला देती हूँ, शुरू कर दो। ठीक है, जल्दी मैं लाती हूँ, करो शुरू।
आइए तकना रोको ना। हाँ हाँ आती। किला कैसे लगेगा? आती। ऊपर आओ। हाँ समझ गए हैं। अब यहाँ से पकड़िए हाँ। तुम तो बहुत अच्छे कारीगर मालूम होते हो। बहुत सी चीजें बना लेते होगे नहीं? जी हाँ बहुत कुछ बना लेता हूँ। मेज कुर्सी पलंग भाकड़ा तोते का पिंजरा। आप तोता नहीं पालती? तुम पालते? जी हाँ आज ही पाला। तो फिर वो क्या बोलता होगा? जी नहीं बहुत कुछ बोलता है वो। बिल्कुल बोलता है वो पाला। तो तुम्हारी औरत को तोते का शौक होगा नहीं? जी औरत को तो नहीं बच्चों को बहुत शौक। तुम्हारे बच्चे? जी हाँ सात। सब लड़के? जी नहीं चार लड़के हैं चार लड़कियां। तो फिर आठ हो गए ना? सात तो है अब की लड़की की बारी है। तो फिर तुम्हारे शादी को कितने दिन हो गए? शादी किसकी? कैसे मिस्त्री हो तुम? कौन गधा मिस्त्री है? तुम अगर मेरा मुंह टूट जाता तो कभी नहीं टूटता। हाँ टूट जाता। मैं कहता हूँ कभी नहीं टूटता। कभी नहीं टूटता बड़े आए मिस्त्री। अरे बेला मम्मी बेले आजो बाबू पत्नी कैसी तू मिस्त्री समझ बैठी। अरे नीचे उतरो पकड़ के। नमस्ते नमस्ते नीचे नीचे उतरो। तो मैं वो मिस्त्री समझ बैठी पकड़ी। बेला अशोक के लिए चाय ले आए। अरे मिस्त्री की मजदूरी तो बेली होगी।